सदियों से ही पुराने जमाने के लोग स्टार स्क्रिप्चर्स पामिस्ट्री और प्रॉफिट्स डायरेक्टली गॉड से मैसेज रिसीव करते थे आगे वाले समय या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। हालांकि फ्यूचर आज भी एक अहम चर्चा का विषय है, लेकिन फिर भी फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में टॉप 10 टाइम्स जब फिक्शनल टीवी शोज ने फ्यूचर को उसके होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। साल 2020 में पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया जब कोविड-19 नाम की वायरस की चपेट की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मानो थम सी गई। पर भले ही ये घटना 2020 की हो, पर इस घटना से लगभग 11 साल पहले 2009 में सुपर नेचुरल नाम की एक टीवी सीरीज के एक एपिसोड में 2020 में हुआ ये लॉकडाउन इवेंट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जाता है, जब डीन नाम का कैरेक्टर 5 साल फ्यूचर का ग्लिम्स देता है, जहां पर सारे पब्लिक इवेंट पूरी तरह से शटडाउन हो चुके हैं और सारे रोड्स पूरी तरह से खाली हैं, वो भी लेटर सी से स्टार्ट हुए एक वायरस की वजह से। क्रोटोन पैंडेमिक रीचेस ऑस्ट्रेलिया। पूरी दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड इंसान ओसामा बिन लादेन, जिसका जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था और आगे चलकर इसने अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ओसामा बिन लादेन एक CIA एजेंट था। पर 2 मई साल 2011 को एक मिशन के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बिन लादेन को पाकिस्तान के अबोटाबाद में ढूंढ कर मार गिराया। पर इस एक्सीडेंट के लगभग 5 साल पहले 2011 में शायद ही लोगों को ये पता था कि स्क्रब नाम के एक कॉमेडी शो में ओसामा बिन लादेन की एग्जैक्ट लोकेशन को इस शो में प्रिडिक्ट किया जाएगा। माय ओपिनियन वी शुड बी लुकिंग फॉर बिन लादेन इन पाकिस्तान। लीबिया का धाकड़ पॉलिटिशियन कम डिक्टेटर, जो कि अपनी बेबाक तानाशाही और फीमेल बॉडीगार्ड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, और क्योंकि गद्दाफी ने लीबिया के ऑयल को US डॉलर में बेचने से इनकार करके नई गोल्ड बेस करेंसी बनाने का फैसला किया, इसलिए US गवर्नमेंट ने लीबिया में सिविल वॉर छिड़वाकर गद्दाफी को मरवा दिया। पर भले ही गद्दाफी की मौत 2011 में हुई थी, लेकिन गद्दाफी की मौत का प्रेडिक्शन सेकंड चांस नाम की कॉमेडी सीरीज ने 1987 में ही कर दिया था, जब सीरीज के पहले ही सीन में सारे मरे हुए लोग सेंट पीटर्स के हेवनली ऑफिस विजिट करते हैं। उनमें से एक थे कर्नल गद्दाफी, जिनकी डेथ को उस टाइम ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था। Dead at last. Dead. साल 2011 में गूगल ने पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी का डंका बजाते हुए लॉन्च किया गूगल ग्लास। ये स्मार्ट ग्लास दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस ग्लासेस में से एक था, जिसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन के साथ साथ ब्लूटूथ, फोन कॉल्स, इंटरनेट, कैमरा और वेदर फोरकास्ट जैसे फीचर्स भी मौजूद थे, वो भी सिर्फ एक ग्लासेस में। और वही 1993 की एक सीरीज स्टार ट्रेक, जिसने एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस गैजेट अपने शो में दिखाए थे, उसी स्टार ट्रेक डीप स्पेस 9 में एक स्मार्ट ग्लासेस को दिखाया गया था। और शायद ही किसी को ये पता था कि उस टाइम स्टार ट्रेक में दिखाया ये वर्चुअल डिस्प्ले ग्लास हूबहू गूगल ग्लास की तरह दिखेगा। साल 2010 में एप्पल कंप्यूटर्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाया, जब उसने फर्स्ट जनरेशन आईपैड लॉन्च किया। ये आईपैड लॉन्च होते ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। पर वहीं 1992 में स्टार ट्रेक के एक एपिसोड में ये हैंडहेल्ड टच स्क्रीन डिवाइसेस को उस टाइम ही दिखाया गया था, जो कि हूबहू आज के आईपैड्स की तरह थे। और तो और इस डिवाइस को स्टार ट्रेक में पैड्स या फिर पर्सनल एक्सेस डिस्प्ले डिवाइस के नाम से बुलाया जाता था। चाहे स्काइप हो, फेस टाइम या जूम पर ग्रुप मीटिंग्स, वीडियो कॉल्स के लॉन्च होने के बाद से ही कम्युनिकेशन की दुनिया में आया एक नया रेवोल्यूशन। और भले ही दुनिया की पहली वीडियो कॉल साल 1970 में पिक्चर फोन मॉड 2 नाम के डिवाइस में हुई थी, पर इस वीडियो कॉल के इन्वेंशन के लगभग 43 साल पहले साल 1927 में मेट्रोपोलिस नाम की मूवी में वीडियो कॉल जैसी टेक्नोलॉजी को उस टाइम ही दिखाया गया था, जब लोगों के घर में टेलीफोन तक आसानी से नहीं हुआ करते थे। साल 2017 में रिपब्लिकन पार्टी से जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप USA के 45th प्रेसिडेंट बनकर सामने आए, जिसके बाद पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप अपने सरकास्टिक इंटरव्यूज फ्रॉम सुचिन तेंदुलकर
और इंटरेस्टिंग ट्वीट के लिए चर्चा में रहे। इसी वजह से उनका ट्विटर तक बैन कर दिया गया था। और आज से चंद साल पहले इस इवेंट की प्रोफेसी भी सिम्पसन, जो कि अपनी भविष्यवाणियों के लिए ही चर्चा में रहता है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की भविष्यवाणी भी पहले ही से कर दी थी। साल 2013 में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस के लीड एक्टर पॉल वॉकर की डेथ हो गई। फ्यूरियस स्टार पॉल वॉकर एंड हिज फ्रेंड killed in a fiery car accident over the weekend. Paul Walker की डेथ की वजह से Furious franchise को काफी नुकसान झेलना पड़ा। और इस घटना के लगभग एक साल पहले American Dad नाम की कार्टून सीरीज के एक एपिसोड में कैरेक्टर्स को Furious 7 की स्क्रिप्ट मिलती है। और ये स्क्रिप्ट के मिलने के बाद ये पता चलता है कि ये पॉल वॉकर की लास्ट मूवी होने वाली है। अब हैरानी की बात यह है कि इनको कैसे पता चला कि ये पॉल वॉकर की आखिरी फिल्म होगी, जबकि उनका एक्सीडेंट तो एक साल बाद हुआ था। Being read this, the script for the Fast and the Furious 7. No way! 11 सितंबर 2001 को वर्जीनिया से वाशिंगटन डीसी जाने वाली एक फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11, जिसको अलकायदा के 4 मिलिटेंट हाईजैक कर लेते हैं, जिसके बाद इस प्लेन को दुनिया की 5th सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ डायवर्ट करके बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। दुनिया के सबसे फेमस अटैक 9/11 के बाद 3,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पर इस घटना से लगभग 6 महीने पहले 4 मार्च 2001 को द लोन गनमैन नाम की एक सीरीज में 9/11 जैसी बड़ी घटना से होने से पहले एग्जैक्टली सेम दिखाया जाता है कि कैसे इंटेंशनली कुछ लोग एक प्लेन को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कोलाइड करवाते हैं। All right, try cutting electrical power. I've thought of that. I've thought of everything. पर ऐसा नहीं था कि 9/11 को सिर्फ इसी सीरीज में, बल्कि इससे पहले कई और कार्टून्स में भी 9/11 को प्रेडिक्ट किया गया। The Legion of Doom is about to begin its reign of terror. Twin Towers? Yeah, what about them? I don't think they're gonna be so tall anymore. तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में 9/11 एक घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश? साल 1998 में दुनिया की पहली कंप्यूटराइज स्मार्ट वॉच दी लिनक्स स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई। और यही नहीं, बल्कि आगे चलकर सैमसंग ने भी दुनिया की पहली कॉलिंग स्मार्ट वॉच साल 1999 में ही लॉन्च कर दी थी, जिसके बाद साल दर साल स्मार्ट वॉचेस लॉन्च होती गईं और ये वक्त के साथ और भी बेहतर होती गईं। लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले रिलीज हुए कार्टून जेक्सन ने इनवेरेबल डिवाइस स्मार्ट वॉचेस का प्रेडिक्शन कर दिया था, जहां पर इन सीरीज के कैरेक्टर्स अपने हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉचेस में टीवी और वीडियो कॉल्स किया करते, और वो भी तब जब लोगों को कंप्यूटर्स, इंटरनेट और स्मार्ट वॉचेस के बारे में कुछ पता तक नहीं था। और सिर्फ इस कार्टून में स्मार्ट वॉचेस नहीं, बल्कि फ्लैट स्क्रीन टीवीज, इलेक्ट्रिक ब्रश जैसी टेक्नोलॉजीज को भी 40 साल पहले ही प्रिडिक्ट किया गया था। तो इस वीडियो के कौन से पार्ट से आप हैरान हो गए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।